प्रियंका ने अपनी किताब में किए हैं 10 बड़े खुलासे। पीसी ने अपनी जिंदगी के कई राज खोलकर हैं रख डाले। पहला, डायरेक्टर ने की पीसी से गंदी बात। प्रियंका के साथ एक डायरेक्टर ने की थी गंदी बात। पीसी ने अपनी किताब के जरिए बताया है कि एक गाने की शूट के दौरान उनसे एक डायरेक्टर ने किस तरह गुस्ताखी की थी। दरअसल सॉन्ग शूट के दौरान पीसी को स्ट्रिप करना था, जिसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा लेयर्स पहनने का सजेशन दिया, लेकिन डायरेक्टर ने उन्हें साफ कह दिया कि कोई मूवी देखने ही क्यों आएगा जब तक अंडर गार्मेंट्स ना दिखे, और फिर देसी गर्ल ने ये प्रोजेक्ट क्विट कर दिया। दूसरा, सलमान को करना पड़ा था बीच बचाव। गुस्से में सेट को छोड़कर आए पीसी से डायरेक्टर इस कदर नाराज हो गए थे कि वो उनसे बात करने के लिए उनकी दूसरी फिल्म के सेट पर पहुंच गए थे, लेकिन फिर इस पूरे मामले पर सलमान ने बात की और बीच बचाव कर डायरेक्टर को समझाया। तीसरा, अपने फर्स्ट को-स्टार को दिया देसी गर्ल ने क्रेडिट। जो नहीं जानते उनके लिए ये बात बेहद दिलचस्प होगी। दरअसल मिस वर्ल्ड का टाइटल अपने नाम करने के बाद देसी गर्ल ने विजय के साथ एक फिल्म में काम किया था। बुक में पीसी ने बताया कि विजय की विनम्रता और प्रशंसकों के साथ उनकी उदारता ने मुझ पर छाप छोड़ी। मैंने अपने पहले को-स्टार के बारे में सोचा और उन्हें ही अपना उदाहरण सेट किया है। चौथा, पीएम मोदी से हुई पीसी की मुलाकात। आपको याद होगी पीसी की पीएम मोदी से हुई मुलाकात। प्रियंका मोदी जी ने एक होटल में स्टे किया था। उस वक्त प्रियंका ने पीएम से मुलाकात करने की गुजारिश की। उनकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी की गई। पीएम से पीसी जब मिली थी तो उनकी ड्रेस पर सवाल उठे थे। देसी गर्ल की शॉर्ट स्कर्ट पर लोगों ने कमेंट किए थे, लेकिन पीसी कहती है कि उन्होंने बेहद रिस्पेक्टफुली खुद को रिप्रेजेंट किया। पांचवा, सर्जरी के लिए कहा गया। अपनी बुक में प्रियंका ने इस बात का भी खुलासा किया है कि मिस वर्ल्ड जीतने के कुछ वक्त बाद ही एक डायरेक्टर ने उन्हें सर्जरी करवाने को कहा था। पीसी से डायरेक्टर ने ब्रेस्ट, बट और जॉ की सर्जरी करवाने के लिए तक कह दिया था। छठा, नेपोटिज्म का शिकार हुई प्रियंका। बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस भले ही पिछले कुछ सालों में लाइमलाइट में आई हो, लेकिन पीसी भी इस भेदभाव को झेल चुकी है। वो बताती है कि बॉलीवुड में ज्यादातर स्टूडियो स्टार फैमिली के होते हैं और उनके सामने उन्हें खुद को बार बार प्रूफ करना पड़ता है। वो कई बार सुनती थी कि मैंने उसे साइन किया और मैं उससे ये वापस भी ले सकता हूँ। सातवा, व्हाइटनिंग क्रीम को एंडोर्स करना। देसी गर्ल ने अपने करियर के पीक टाइम पर स्किन व्हाइटनिंग क्रीम को एंडोर्स किया था, जिसके लिए देसी गर्ल साफ साफ अपनी किताब में माफी मांगती नजर आई। उन्होंने माना कि ये उनके करियर का सबसे गलत कदम था। आठवा, बॉयफ्रेंड को पीसी ने वार्डरोब में छिपाया था। देसी गर्ल ने अमेरिका से अपने दिनों को याद करते हुए बताया कि जब वो अपने स्कूल डेज में थी तब उन्हें एक लड़के से प्यार हो गया था, जिसके साथ वो अपने मौसी के घर पर थी, लेकिन अचानक उनकी मौसी घर आ गई और पीसी ने अपने बॉयफ्रेंड को वार्डरोब में छुपा दिया था, लेकिन फिर उनकी मौसी ने उनका ये राज खोल कर रख दिया। नौवीं, वॉमिट के बीच सो गई थी पीसी। देसी गर्ल ने एक और किस्से का जिक्र किया है और बताया है कि उन्हें याद नहीं कि वो बीमार थी या कुछ गलत खा लिया था, जिसकी वजह से उन्हें वॉमिटिंग हो गई और फिर वो उसी में सो भी गई। दसवा, कई बार करवाई नाक की सर्जरी। 2001 के आसपास प्रियंका को बेड साइंस इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें कई बार अपनी नाक की सर्जरी करवानी पड़ी थी और इस वजह से उनकी नाक की शेप भी बिगड़ गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।